भाई लोग फायरबोल्ट के फायरबोल्ट फोन एक स्मार्ट वॉच को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था और उसको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो आज ऐसे एक स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स करेंगे जो कि है फायरबोल्ट का फायरबोल्ट फोनिक्स प्रो। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है फायरबोल्ट फोनिक्स का, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस किए हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या चीज मिलती है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे बॉक्स खोलोगे, बॉक्स के अंदर ये मेन चीज आपको दिखाई दे रही होगी, उसके साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल मिलते हैं, ये ढेर सारा पेपर वर्क मिलता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, वरना भाई लोग अगर हम डिजाइन देखने जाए तो इसका डिजाइन एज इट इज सेम है फायरबोल्ट फोनिक्स जैसा, आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। जैसे पीछे आपको सेंसर्स मिलते हैं यहाँ पे भी सेम ही है। उसके साथ यहाँ पे आपको मैग्नेटिक पोर्ट दिखाई देगा जहां से जो है आप इसको चार्ज कर सकते हो, वही सेम सिलिकॉन स्ट्रैप्स आपको मिलते हैं जिसको जो है आप ऐसे मोड़ भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक क्राउन मिलता है जहां से जो है आप स्क्रीन को जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, बाकी और दूसरा कोई भी मतलब या फिर बैक आना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो ऑल द वे, बाकी कोई मेजर यूज इसका नहीं है। उसके साथ साथ जो है अगर डिजाइन देखोगे तो काफी ज्यादा एक सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन दिखाई दे रहा होगा और यही चीज मुझे सबसे बेहतरीन लगती है फायरबोल्ट के साथ साथ, क्योंकि पूरा जो डायल है वो पूरा मैट फिनिश में बनाया गया है। उसकी वजह से जब आप हाथ में पहनते हो आपको एक अलग सा फील आता है, एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको दिखाई देता है। ऑल्दो इसका प्राइस जो है वो 2000 के नीचे है, बट फिर भी आपको ये काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर आप इसकी बिल्ड देखोगे तो ये पूरा जो डायल है ये पूरा का पूरा मेटल से बनाया गया, तो ऊपर से गिरेगा कुछ होगा कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। एंड स्क्रैचेस वगैरह इतने जल्दी नहीं आते, तो इवन अगर आपने पॉकेट में रखा वहां पे कीज वगैरह कुछ चीजें है तो इतने जल्दी इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये इसकी सबसे बढ़िया चीज है। एंड IP67 सर्टिफिकेशन आता है तो फुल वाटर प्रूफ हो जाता है भाई, इसको टेस्ट करना पड़ता है। तो इसके अंदर पानी है ये, अभी भी चल रहा है, तो मतलब काम तो अच्छे से करता है। भाई लोग स्क्रीन के बारे में बात करें तो वही स्क्रीन आपको 1.39 इंचेस की फुल HD TFT डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। एंड एक चीज बोलता हूँ, ये TFT डिस्प्ले बट कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं है, बट फिर भी आपको कलर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि ये AMOLED डिस्प्ले, बट फिर भी AMOLED नहीं है। आपको कलर्स काफी ज्यादा शार्प मिलते हैं, ब्लैक्स वगैरह काफी ऑन पॉइंट है। उसके साथ साथ मुझे बोट का एंड फायरबोल्ट का एक चीज अच्छी लगती है कि उनके UI जो है वो काफी ज्यादा फिनिश्ड है एंड काफी ज्यादा पॉलिश्ड है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब भी आप यूज करते हो आपको लैग वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाई देता, काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता, एकदम सडन से जो है आपको शिफ्ट दिखाई देगा काफी अच्छे से होता है, तो उसकी वजह से आपको एक स्मूथ सा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड मुझे भाई ऐसी चीजें काफी अच्छी लगती है। एंड जो भी आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं वो सारे के सारे कलरफुल है, तो वो भी चीज मुझे काफी अच्छी लगी। यहाँ पे आपको वॉच फेसेस भी मिलते हैं, 6 to 7 वॉच फेसेस आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। एंड इनके ऐप के ऊपर 100+ वॉच फेसेस मिलते हैं भाई, सभी वॉच फेसेस काफी ज्यादा बढ़िया है। और भाई लोग बैठे बैठे बोर हो रहे नहीं? भाई यहाँ पे गेम भी मिलते हैं, 2 गेम इनबिल्ट आपको मिलते हैं, वो भी खेल सकते हो। 2 ही गेम है, एक तो सुडोको वाला मुझे तो नहीं आता, लेकिन बाकी दूसरा जो वाला जो है वो काफी आपको अच्छा लगेगा, आप खेल सकते हो उसको मजे से। दोस्तों इसमें आपको माइक्रोफोन एंड स्पीकर भी मिलता है, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ डायल पैड का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके जो है किसी को भी कॉल लगा सकते हो। एंड यहाँ पे फोन बुक का भी एक ऑप्शन है, मतलब कॉन्टैक्ट का, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकते हो, इमरजेंसी में आपको फटाक से किसी को भी कॉल लगाना है तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे नोटिस हुई कि जो जो कॉन्टैक्ट्स है उनके जो इमेजेस है आपने जो फोन में सेव करके रखे हैं वो भी यहाँ पे दिखते हैं, तो आपको जल्दी से फटाक से समझ में आता है कि कौन किसका कॉन्टैक्ट है वगैरह। तो अभी जो मैं एक कॉल करता हूँ लाइव और देखेंगे फिर कैसा आवाज आता है, क्या क्या आता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। भाई कहाँ पे? अभी 10 मिनट पहले ही चल बस है, आपको कुछ बोलना था? हाँ कहाँ पे? घर पे। आवाज आ रहा है क्या अच्छे से? हाँ आ रहा है। मतलब किससे बात कर रहे हो बता? मुझे तो लग रहा है मोबाइल से कर रहे हो। स्मार्ट वॉच से, मतलब एकदम क्लियर आ रहा है ना आवाज? हाँ एकदम क्लियर आ रहा है। कोई ऐसा बैकग्राउंड नॉइज वगैरह है क्या? हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वॉटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। नहीं नहीं
कोई नहीं ना, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तेरा भी अच्छा सा आवाज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ओके रख रख बाद में करता हूँ। तो डेफिनेटली एक अच्छे क्वालिटी का आपको स्पीकर भी मिलता है, तो आप डायरेक्टली किसी के साथ भी कॉल कर सकते हो, एंड लाउड स्पीकर का भी ऑप्शन है, तो जैसे वो दबाते हो थोड़ा सा आवाज़ जो है इंक्रीज हो जाता है, आपको अच्छे से सुनाई भी देता है, एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी तो आपने देखी, आपको अच्छा ही यहाँ पे सुनाई दे। उसके साथ साथ आपको म्यूजिक सपोर्ट भी मिलता है, मतलब म्यूजिक सपोर्ट मतलब डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉन्ग सुनना चाहते हो तो भी सुन सकते हो, क्योंकि स्पीकर एंड माइक्रोफोन आपको मिलता है। वेदर सपोर्ट मिलता है, वेदर सपोर्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस मिलते हैं, जो भी सनी डे वगैरह जो भी लिखा है वो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन आपको मिलता है, एंड आपको जो है अगले 7 दिन का पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये छोटी चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 120+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, एंड बाकी सारी चीजें तो आपको मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, SPO2 ट्रैकर वगैरह, वो सारी चीजें, स्लीप ट्रैकिंग वगैरह, वो चीजें मिलते हैं। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट मेजर करके देखते हैं, पहले तो यहाँ पे टेबल के ऊपर रखूंगा और देखेंगे कि एक्चुअली मेजर करता है या फिर नहीं। 83, मतलब टेबल के ऊपर रखोगे फिर भी ये मेजर करता है, और ये हर एक फायरबोल्ट वॉच की, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि यही दिक्कत है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको रखोगे तो ये हार्ट रेट मेजर करता है, कैसे मेजर करता है मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेजर करता है, तो ये बात थोड़ी सी मुझे गलत लगती है। और अगर आप ऐसे ऊपर इसको पकड़ोगे तो कभी कभी आपको नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज वेयर द वॉच प्रॉपरली, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, डायरेक्ट रीडिंग दिखा देता, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सेंसर में कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे दिक्कत है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑक्सीमीटर भी पहना है, एंड यहाँ पे स्मार्ट वॉच भी पहना है, स्मार्ट वॉच के ऊपर रीडिंग आया 75 करके, एंड यहाँ पे भी 76 के आसपास, 78, 80, 82 यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, मतलब जो इनिशियल रीडिंग है वो यहाँ पे 75-76 के आसपास दिखा दिया, यहाँ पे अभी ये 90 के आसपास चला गया है BPM, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको डेफिनेटली दिखाई देगा, क्योंकि सेंसर का मुझे ऐसा लगता है इश्यू थोड़ा सा है। उसके साथ मैंने यहाँ पे SPO2 भी टर्न ऑन करके रखा है, यहाँ पे दिखा रहा है 94 करके, एंड यहाँ पे दिखा रहा है 97%, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको डेफिनेटली दिखा देगा, यहाँ पे लाइव ट्रैकिंग दिखाता है, यहाँ पे एक बार ही आपको रीडिंग दिखाता है, वहां पे स्टक हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे एक थिएटर मोड करके आता है, ये एक ऑप्शन ऐसा है कि जैसे आप उसको टर्न ऑन करोगे ये अपना ब्राइटनेस फुल लो कर देता है, एंड वाइब्रेशन मोड के ऊपर चला जाता है, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपको कोई भी साउंड वहां पे सुनाई नहीं देगा, मतलब अगर आप एक क्वाइट एनवायरनमेंट चाहते हो तो वो ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा यूनिक सा ऑप्शन है। इवन जो है यहाँ पे आप वाइब्रेशन टर्न ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो भी चीज है। वाइब्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जब भी आपको कोई भी मैसेज आता है इंस्टेंटली समझ में आता है, क्योंकि पूरे बदन में से एंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो सारे के सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, मेल, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर ट्विटर वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, नॉर्मल मैसेजेस वगैरह भी आपको दिखाई देता है, एंड आपको कॉल वगैरह आएगा तो डायरेक्ट कॉल एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो बैटरी जो है लगभग आपको 6 to 7 days की बैटरी बैकअप मिलते हैं, बट ये भी कम हो सकते हैं, अगर आपने ब्लूटूथ कॉलिंग टर्न ऑन रखा तो आपको मैक्सिमम 2 days का जो है बैटरी बैकअप मिलेगा, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 1799 rupees के आसपास जो है आपको ये पूरा वॉच यहाँ पे दिखाई देगा। Amazon के ऊपर ये अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डायरेक्टली आप इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वॉच हमने यूज करके देखा, कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, कुछ कुछ चीजें बुरी लगी, जैसे कि UI इसका काफी ज्यादा रिफाइन है, काफी आपको अच्छा लगेगा यूज करते हुए, स्टाइलिश लगता है थोड़ा सा, जब भी आप पहन के बाहर जाओगे आपको डेफिनेटली लोग नोटिस करेंगे, तो अगर आप इसको एज अ स्टाइल आइकॉन करके यूज करना चाहते हो, एक स्टाइल के लिए यूज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए या फिर प्रॉपर मेजरमेंट के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, अदरवाइज काफी कम प्राइस में आता है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सोफिल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे मैं सुन चुका हूँ यार, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, आपके जो भी क्यूरियस हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो है आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।